तो मुझे लगता था यार ये लोग क्या कर रहे हैं यार, यू नो हाउ दे कैन झगड़ा कर रहे हैं। तो कैसे जज करो कि यार सामने वाला ने कितनी बकवास कर ली, कैसे आप जज कर सकते हो? दोस्तों बिग टाइम पे रिंकू धवन का शॉकिंग इविक्शन इंटरव्यू हम सभी को देखने को मिल रहा है, जो कि दोस्तों बिग बॉस से बाहर जाके पहली बार अपना इविक्शन का इंटरव्यू देते नजर आ रहे हैं, जहां पर दोस्तों मीडिया ने सबसे पहले सवाल किया कि आपके हिसाब से कौन जाने वाला है बिग बॉस के टॉप 5 फिनाले में और कौन बनने वाला है विनर। जहां पर दोस्तों सबसे पहले रिंकू धवन जो है मुनव्वर के भर भर के तारीफ कर रहे हैं, मुनव्वर के पुल बहाने लगी है, जहां पर मुनव्वर के बारे में बोला कि ये बंदे की फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है यार, मैंने बाहर आके देखा तो मैं लगभग शौक हो गई, इसके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स भी काफी ज्यादा है और इसको बाहर से सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि मैंने बीबी किंग बॉस मैटर देखे, बस मुनव्वर फारूकी वो जीत रहा है यार, ये बहुत ही बड़ी बात होती है अपने आप में। जहाँ पर जिस तरीके से मुनव्वर को घर के अंदर टारगेट किया जा रहा है ये गलत है, लेकिन मुनव्वर फारूकी के फैंस बहुत है, वो विनर भी बन सकता है बिग बॉस 17 का ऐसा बोला है दोस्तों इंटरव्यू में। जहाँ दोस्तों नंबर 2 पे नाम लिया टॉप 5 की रेस में बाबू भैया का, उन्होंने बोला कि इसकी भी फैन फॉलोइंग तगड़ी है, ये भी बाबू भैया जाने वाले बिग बॉस के टॉप 5 में। नंबर 3 पे नाम लिया दोस्तों अंकिता लोखंडे का, अंकिता के बारे में बोला कि घर के अंदर अच्छी खासी इनवाइल है और अंकिता भी जा सकती है, कलर्स का फेस भी है। टॉप 5 की रेस में दोस्तों रिंकू ने नंबर 5 पे जो नाम लिया टॉप 5 की रेस में दोस्तों फिनाले के रिंकू ने नंबर 4 पर जिसका नाम लिया वो लिया दोस्तों ईशा मालविया का, ईशा मालविया के बारे में बोला कि ये बिग बॉस को डे 1 से कंटेंट दे रही है और बिग बॉस जो है जरूर इसको टॉप 5 में ले जाने वाली है और ईशा जो है डिजर्व भी करती है, चाहे वो फेक करो या कुछ भी करो। टॉप 5 की रेस में दोस्तों मनारा का भी नाम लेते नजर आए रिंकू धवन, मनारा के बारे में बोला कि ये जो है मुनव्वर के साथ बंदी है और मुनव्वर के फैंस इसको वोट करने वाले और बिग बॉस भी इसके इससे बायस है, जहां पर बिग बॉस की फेवरेट बनी है सलमान खान आके इसी की तारीफ करते इसी को डिफेंड करते, तो ये तो भाई जरूर जाने वाली है बिग बॉस के फाइनल में और टॉप 3 में भी जाने वाली है, ऐसा दोस्तों रिंकू ने साफ साफ कह दिया है। जहां पर दोस्तों विनर का नाम लिया है मुनव्वर फारूकी, आप सभी का क्या है कहना कमेंट के अंदर आ देख जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सारी खबरें के लिए।